आखिर कौन था महाभारत का वह वीर योद्धा जिससे भगवान श्री कृष्ण भी डरते थे? आखिर कौन था वह महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा जिसको देखकर भगवान श्री कृष्ण के भी पसीने छूट गए थे? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महाभारत का युद्ध जिसको सभी लोग जानते हैं, उसमें बड़े बड़े वीर योद्धाओं ने भाग लिया। सभी योद्धा भगवान श्री कृष्ण से कम ही थे, लेकिन एक ऐसा योद्धा था जिसे देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी डरते थे। क्या वो सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण थे? नहीं। क्या वो गांडीवधारी अर्जुन थे? क्या वो वायुपुत्र भीम थे? नहीं। क्या वह इच्छा मृत्यु की वरदान प्राप्ति वाले भीष्म पितामह थे? नहीं। तो फिर कौन था वो है ऐसा योद्धा जिन्हें देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी डरते थे? दरअसल वह महाभारत के युद्ध को 3 बाणों में ही समाप्त करने वाले भीम पुत्र घटोत्कच और नागकन्या अहिलावती का पुत्र बर्बरिक था। क्या बर्बरिक इतना शक्तिशाली था कि भगवान श्री कृष्ण भी उससे डरते थे? तो ये बिल्कुल सही है, भगवान श्री कृष्ण एक पल के लिए उससे डर भी गए थे। उसके पीछे की वजह आइए आपको बताते हैं। बर्बरिक बचपन से ही बहुत ताकतवर था, और हो भी क्यों ना, जिसके दादा खुद भीम हो, जिसके पिता मायावी घटोत्कच हो, तो वो तो शक्तिशाली होगा ही। बर्बरिक ने बचपन में ही भगवान वाल्मीकि की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर दिया था, जिस तपस्या के फलस्वरूप उन्होंने बर्बरिक को 3 बाण और 1 धनुष दिया था। ये बाण अपने लक्ष्य को भेदकर वापस आ जाते थे। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर सकते थे। इन बाणों की वजह से ही बर्बरिक को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। अपनी माँ से शिक्षा उन्हें मिलती रही और वह युद्ध में सदैव सेना के आगे खड़े रहे। महाभारत के युद्ध के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जब महाभारत का युद्ध छिड़ा तो बर्बरिक ने भी अपनी माता अहिलावती से आज्ञा ली। फिर क्या, वीर बर्बरिक घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह देख लिया कि 3 बाणधारी घटोत्कच पुत्र बर्बरिक आ रहा है। उन्होंने उसी समय एक ब्राह्मण का रूप धर लिया और वीर बर्बरिक के सामने प्रकट हो गए। बर्बरिक को सामने देखकर अचानक ही वह हंसने लगे। बर्बरिक ने जब हंसने का कारण पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे बालक, क्या 3 ही बाण? क्या तुम 3 ही बाणों से युद्ध लड़ोगे? इस पर बर्बरिक ने उत्तर दिया, हे देव, इस युद्ध के लिए तो केवल 1 ही बाण काफ़ी है। यदि 3ों बाण चला दिए तो पूरे विश्व में त्राही त्राही मच जाएगी। पर श्री कृष्ण ने कहा कि अगर ऐसा है तो जिस पीपल के पेड़ के नीचे हम खड़े हैं उसके सारे पत्ते 1 ही बाण से तुम भेद दो। इतना ही कहना था कि बर्बरिक ने बाणों का ध्यान करके बाण चला दिया और क्षण भर में ही सारे पत्ते जमीन पर गिर गए। उसके बाद वह बाण श्री कृष्ण के पैरों की ओर मंडराने लगा। यह देखकर श्री कृष्ण भी सोच में पड़ गए कि यह बाण मेरे पैरों के में क्यों मंडरा रहा है। दरअसल श्री कृष्ण भगवान ने पीपल का एक पत्ता चुपके से अपने पैरों के नीचे दबा लिया था।
इस पर बर्बरिक ने कहा कि प्रभु अपने चरण हटा लीजिए वरना आपको क्षति पहुंच सकती है। मैंने अपने बाणों को पत्तों को भेदने की आज्ञा दी है ना कि किसी के पैर को। उसी समय मानो आकाश में बिजली कड़कने लगी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी परेशान और हैरान हो गए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगा लिया था कि वह हारने वाली सेना की तरफ से ही युद्ध लड़ेंगे, तो ऐसे में अगर कौरवों की सेना हारती तो बर्बरिक कौरवों की तरफ से लड़ते और पांडवों का सर्वनाश निश्चित था, और यदि पांडव हारते तो वह कौरवों की सेना का विनाश कर देते। ऐसे में महाभारत में जितनी भी सेनाएं होती वह उन्हें अकेले ही निपटा देते। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक का शीश मांग लिया। बर्बरिक ने भी हंसते हंसते अपना शीश एक ब्राह्मण को दान दे दिया जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे। तो ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिसे देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी भयभीत हो जाएं, और वह कोई और नहीं महाभारत के युद्ध का सबसे महान योद्धा बर्बरिक था। तो हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब।